काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मसला अभी सुलझा भी नहीं है कि अदालत में एक और याचिका दाखिल हो गई। इस बार मामला है मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर। इस बार कुछ महिलाओं ने कोर्ट के सामने ये मांग की है कि उन्हें मां श्रृंगार गौरी की पूजा रोज करने दिया जाए। फिलहाल अभी साल में एक बार ही माता श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए दरवाजे खोले जाते हैं। दरअसल मां श्रृंगार गौरी मंदिर का विवाद अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद यानी 1992 में सामने आया था। अब नई याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांगा है। साथ ही एक अधिवक्ता पैनल का गठन किया गया है जो मंदिर के सभी पहलुओं की भी जांच करेगा। वाराणसी की रहने वाली महिलाएं जिन्होंने कोर्ट में मंदिर खोलने की याचिका दाखिल की है, उनका कहना है कि मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पहले की तरह दर्शन पूजन फिर से शुरू हो। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए जो वर्ष में एक बार होता है उसको प्रतिदिन शुरू किया जाए। तो क्यों आखिर इस पे रोक लगाई दी गई? आप लोग कितने दिनों से नहीं जा पा रही हैं? हम लोग तो बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे हैं इसे, इसलिए तो क्या चाहती क्या हैं आप? मतलब सभी को मतलब प्रतिदिन दर्शन पूजन होना चाहिए इस। तो किसी दल वगैरह संगठन से भी आप लोग जुड़ी हैं? नहीं नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग हाउस वाइफ हैं, घरेलू एकदम। इस याचिका को लेकर भले ही लक्ष्मी देवी ये कह रही हैं कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो ये पूरा मामला राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। बताया जा रहा है कि इस पूरी कानूनी लड़ाई को शुरू करने के पीछे नई राजनीतिक पार्टी हिंद साम्राज्य पार्टी का हाथ है। ये पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतर सकती है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक केस पहले से ही चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी केस में 1991 में पहली बार वाराणसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयं शंभु लॉर्ड विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इस मुकदमे में शामिल हैं। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में तोड़ दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया। इस मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर जबरदस्ती ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से ये भी दावा किया जाता है कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयं शंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। उनका दावा है कि विवादित ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित हैं। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यहाँ लोग पूजा करते थे। विवादित स्थल के नीचे और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार होने का दावा किया जाता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।